गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नए इंडियन सीक्रेट गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जोश। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो गाइस, आज का जो गेम है वो एक मल्टीप्लेयर FPS गेम है, बैटल रॉयल आप नहीं कह सकते, वो एक FPS गेम है, बिल्कुल जैसे रॉग हीस्ट गेम जो अभी निकला है MPL की तरफ से, बिल्कुल वैसा ही गेम है। और ये गेम अभी बीटा वर्जन में है तो इसमें बहुत सारे अभी फ्लॉज हैं, मतलब कमियां हैं, लेकिन ये एक फुल इंडियन गेम है जो अभी कुछ एक महीने पहले निकला है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो मुझे भी आज सुबह ही इसके बारे में पता चला है। तो इस गेम का जैसा नाम मैंने आपको बताया वो है जोश। तो जोश एक फोर लेटर्स का वर्ड है, जैसे फौजी भी है, तो आप कह सकते हैं कि फौजी को देखते हुए इस कंपनी ने अपना गेम का नाम रखा। तो ये गेम काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा कमेंट करूंगा इसके हर चीज़ के बारे में, मैं उसको 5 स्टार्स में से रेटिंग भी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम लोग आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, पहली नज़र में आप इस गेम को अगर देखें तो आप लोगों को ये गेम उतना खास नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जितने भी आपको वो दिख रहे होंगे सराउंडिंग्स, वो आपको एक कॉपी लग रहे होंगे बाकी सारे दूसरे गेम्स के, लेकिन आफ्टर ऑल ये पहला इंडियन गेम है तो आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग अल्ट्रा तक कर सकते हैं तभी ये गेम स्मूथ चलेगा। इसका जो साइज़ है वो है 300 MB, जो काफ़ी कम है, लेकिन इस गेम के हिसाब से ये ठीक है क्योंकि एक बैटल रॉयल गेम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, सारे कंट्रोल्स भी अच्छे हैं, रिकॉइल भी अच्छा है, तो मैं इसके ग्राफिक्स को 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा 5 में से। और आप लोगों को क्या लगता है इसके ग्राफिक्स के बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ गन्स के क्वालिटी, गन्स के ग्राफिक, डिटेल्ड ग्राफिक के बारे में, तो मैं इसको 3 स्टार्स देना चाहूँगा क्योंकि उतनी भी डिटेल्ड ग्राफिक्स नहीं है गन्स पे। अगर आप लोग देखें नाइफ तो चलिए ठीक भी है, लेकिन गन्स में आपको कलर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर मिलता है, तो उतना डिटेल्ड नहीं लगता है, तो वो मुझे एक कमी लगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि नाइफ से भी मूवमेंट एक ही साइड से है, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो ये एक ही साइड में बार बार प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं गन्स सिर्फ एक ही कलर्स की हैं, तो ये काफ़ी कमी लगती है गेम में, क्योंकि सीधे ब्लैक आपको गन्स की स्किन दी गई है तो ये अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें 2 मैप्स मिलेंगे, एक तो ये है, एक डेजर्ट टाइप का मैप है। और अगर आप इस गेम के फर्स्ट स्क्रीन को देखें तो ये ठीक लगता है, और प्ले पे क्लिक कर सकते हैं, आप लोग खुद का सर्वर बना सकते हैं। तो ये गेम का एक फ़ायदा है कि आप इसमें खुद का सर्वर भी बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। और अभी आप इसको गेम को खेलेंगे तो आपके सामने शायद बॉट्स ही हैं, क्योंकि इसमें लगभग जैसे 50 प्लेयर्स हैं तो इसमें 10-15 रियल होंगे, बाकी सारे बॉट्स होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये वेयर हाउस है, और वेयर हाउस बहुत सारे गेम्स में ये मैप मिलता है, तो कुछ नया नहीं लगेगा आपको इस मैप में, जैसे कुछ मतलब जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, काउंटर स्ट्राइक खेले होंगे आप, बाकी सारे भी आपने FPS गेम प्ले स्टोर से ट्राई किए होंगे, तो वेयर हाउस एक कॉमन मैप है जो हर जगह मिलता है, ठीक है। तो इस मामले में जोश गेम ने कुछ नया नहीं किया है। गन्स आपकी साउंड को मैं बताऊं कि गन्स की साउंड कैसी है, तो वो भी ठीक है, उतनी क्लियर नहीं है, और ज़्यादातर आप गन्स में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि इस गन की साउंड ये है, इस गन की साउंड ये है। अब ये रिवॉल्वर भी ठीक थी, और इस गेम में जो दूसरी कमी है वो ये है कि अभी इसमें बहुत सारे मतलब बग्स हैं, जैसे आप जूम करेंगे तो जूम नहीं होगा, रन करेंगे तो कभी कभी गन्स फायर नहीं होती हैं। तो ओवरऑल ये एक नया गेम है, आप लोग इसको सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल इस गेम को रेट करूं तो मैं इस गेम को देना चाहूँगा 3.5 out of 5 stars। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा, आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छाई लगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक ठाक गेम है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। पबजी जैसा भी नहीं है, लेकिन एक इंडियन गेम है तो मैं इसको सपोर्ट फुल करूंगा, और सारे तरीके से मैं इसके डेवलपर को बताना चाहूंगा कि ये गेम कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस गेम में अगर कोई अच्छाई है तो मैं अभी उसको भी बताऊँगा, कमी है तो दोनों चीज़ को मैं डेवलपर को बताऊँगा ताकि वो इस गेम को इम्प्रूव कर पाए। तो गाइज़, मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कैसा लगा ये गेम कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को तो बताएंगे ही, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस गेम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गेम को डाउनलोड कीजिए, सिर्फ 300 MB इसकी साइज़ है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग डेवलपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी इस गेम के बारे में। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।